वास्तुशास्त्र के अनुसार जिसके घर में हमेशा वास्तु दोष बना रहता है, उस घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां भी बनी रहती हैं। साथ ही इससे घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत, आय आदि सब पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां दस्तक देती हैं। वहीं अगर आप भी अपने जीवन में वास्तु दोष के कारण परेशान हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि घर के मेन गेट के दाईं तरफ केले का पेड़ और बाईं तरफ तुलसी का पेड़ लगाने से वास्तु दोष घर में प्रवेश नहीं करते। आइए जानते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। अगर आपके घर का उत्तरी भाग वास्तु दोष से ग्रसित है, तो इस दिशा में एक सफेद कागज पर अ अक्षर लिखकर चिपका दें। ऐसा करने से इस जगह से वास्तु दोष दूर होगा। वहीं अगर घर का उत्तरी भाग वास्तु दोष से ग्रसित है, तो इस दिशा में एक सादे कागज पर अ लिखकर चिपका देने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके अलावा पूर्व दिशा में मौजूद वास्तु दोष दूर करने के लिए इस दिशा में चंद्र बिंदु लिखकर चिपका देने से आपके वास्तु दोष से राहत मिलेगी। इसके अलावा पूर्व दिशा में मौजूद वास्तु दोष दूर करने के लिए इस दिशा में ओम लिखकर चिपका देने से आप पर वास्तु दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।